हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यू लर्न में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिवेटेड ज्वाइंट के बारे में। तो रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है फ्रेंड? ज्वाइंट मेड विथ रिवेट, वैसा ज्वाइंट जिसे हम रिवेट के हेल्प से ज्वाइंट करते हैं। फ्रेंड जैसे ये हमारे पास एक लॉक है और इसमें देख सकते हैं ये जो हमारा इसका पार्ट है, कवर जो ये ऊपर और नीचे कवर है, उसका मिडिल वाला पार्ट है, इसे हम ये जो हमारा पाइप ये रिवेट है फ्रेंड, ये रिवेट यहां पे होल करके इसके अंदर डाल के इसे पीछे से हैमरिंग किया गया है और इस रिवेट के हेल्प से इसे फिक्स किया गया है। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया रिवेटेड ज्वाइंट। इट इज परमानेंट ज्वाइंट। फ्रेंड्स इसे परमानेंट ज्वाइंट क्यों कहा गया है? इसे टेम्पोररी भी कह सकते हैं। इसे परमानेंट इसलिए कहा गया है फ्रेंड क्योंकि ये जो हमारा रिवेट है इसे हम पीछे से कट करके इस पार्ट को फिर से अलग कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा परमानेंट ज्वाइंट है। जो हमारा टेम्पोररी ज्वाइंट होता है, अगर हम इसे वेल्डिंग कर देते फ्रेंड तो वो हमारा टेम्पोररी हो जाता, जिसके कारण ये हमारा फिर से रीयूज नहीं हो सकता। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका रिवेट को यहां से कट करके इसे रिवेट को बाहर निकाल के इसका हम फिर से यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा है परमानेंट ज्वाइंट। और फ्रेंड जो हमारा रिवेट, ये तो हम लॉक में देखे, ये तो हमारा जनरल एग्जाम्पल हो गया, लेकिन जो हमारा रिवेट सब यूज होता है वो हमारा होता है शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील बिल्डिंग, ब्रिज। आप जो रेलवे वाला ब्रिज देखे होंगे उस पर देखे होंगे बहुत सारा जो वो हमारा फ्रेम उसका जो होता है वो उसमें देखे होंगे बहुत सारा नट निकला हुआ रहता है, वो नट वो जो रिवेटेड रिवेट है फ्रेंड, वो हमारा कप रिवेट है। जो हमारा बॉयलर होता है, टैंक होता है, उसमें भी हमारा रिवेट के हेल्प से ज्वाइंट करते हैं उसके सीट को। तो फ्रेंड ये है हमारा रिवेटेड ज्वाइंट। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं इसमें हमारा, तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं रिवेट किस तरह का होगा, कप रिवेट। ये हमारा होगा कप रिवेट। तो फ्रेंड ये जो इसका पार्ट है ये ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं हेड, और ये जो पार्ट होता है फ्रेंड इसे हम कहते हैं टेल, और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेंक। फ्रेंड ये जो हमारा टेल होता है फ्रेंड वो थोड़ा टेपर्ड होता है, अगर इसका डिस्टेंस अगर 20 mm है तो यहां का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 19 mm, तो ये थोड़ा टेपर्ड हो जाता है नीचे, ताकि वो जो हम होल करेंगे किसी भी, ये हमारा सीट है इसमें हम होल किए, तो ये होल अगर हमारा 20 mm का है फ्रेंड तो ये हमारा 19 mm का रहेगा इसका टेल, तब ये हमारा इसके अंदर जाएगा और फिर इसका हैमरिंग कर देंगे तो ये अंदर जाके यहां 20 है फ्रेंड, तो ये हमारा एकदम फिक्स हो जाएगा। तो ये है हमारा रिवेट। और फ्रेंड्स रिवेट का अलग अलग टाइप है फ्रेंड, तो ये हमारा कप रिवेट है, कप रिवेट। तो आप अगर और सारा टाइप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां आपको और सारा टाइप रिवेट का मिल जाएगा। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं रिवेटेड ज्वाइंट में इसका टाइप। तो इसका टाइप जो होता है फ्रेंड वो हमारा दो टाइप होता है, एक टाइप होता है हमारा फर्स्ट टाइप, वो है हमारा लैप ज्वाइंट, और दूसरा जो है फ्रेंड वो है हमारा बट बट ज्वाइंट। तो लेफ्ट ज्वाइंट किस तरह होगा, अगर हमारा दो सीट है, जैसे ये हम देख लेते हैं फ्रेंड, ये हमारे पास दो सीट है, ये और इसे हमें दोनों सीट को जोड़ना है फ्रेंड, तो इसे हम किस किस टाइप से जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए दो टाइप है फ्रेंड, एक है लेफ्ट ज्वाइंट और एक है बट ज्वाइंट। तो लेफ्ट ज्वाइंट में जब हम इसे दोनों सीट को ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सीट को लेंगे फ्रेंड और फिर इस सीट के ऊपर इस दूसरे सीट को लाएंगे, ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड सीट को इसके ऊपर या फर्स्ट को ऊपर या सेकेंड को नीचे, तो इसे लाके उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर रिवेट लगाएंगे, पहले सबसे पहले यहां पर ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसके अंदर रिवेट डाल देंगे फ्रेंड, तो ये हमारा जो ज्वाइंट होगा ये हमारा कहलाएगा लेफ्ट ज्वाइंट। तो लेफ्ट ज्वाइंट ये हो गया। और अगर हमें बट ज्वाइंट करना है तो इस दोनों सीट को हमें क्या करना होगा,
इस दोनों सीट को एकदम सामने लाना है फ्रेंड, ये हम सामने लाएंगे एकदम इसके, और फिर इसके ऊपर हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं एक कवर प्लेट। तो एक कवर प्लेट का यूज करेंगे जिसे कि फ्रेंड हम स्ट्रेप भी कहते हैं। तो ये हम स्ट्रेप इसके ऊपर लाएंगे और फिर इसे यहां पे लगाएंगे और फिर एक रिवेट इधर डाल देंगे और एक रिवेट हम इधर डाल देंगे और उसके बाद इसे हम हैमरिंग करके इसे फिक्स कर देंगे। तो ये जो हमारा रिवेट होगा, ये हमारा जो ज्वाइंट होगा फ्रेंड, ये हमारा ज्वाइंट होगा बट ज्वाइंट। तो यहां पे हम सिर्फ सिंगल स्ट्रेप का यूज किए थे, सिंगल कवर प्लेट का, तो ये हम डबल भी कर सकते हैं फ्रेंड। एक हम ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगा देंगे। तो एक स्ट्रेप हम ऊपर लगा दिए और एक हम नीचे लगा देंगे और यहां पे हम फिर ड्रिल करके रिवेट यहां पे डाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डबल बट ज्वाइंट। तो फ्रेंड ये जो नीचे वाला है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम कवर प्लेट लगाए, जो स्ट्रेप है वो नीचे ऊपर दोनों है और इसे फिर रिवेटेड ज्वाइंट से फिक्स कर दिए हैं। तो ये हमारा ज्यादा स्ट्रांग होगा इस ज्वाइंट से। तो ये हमारा बट ज्वाइंट का टाइप था फ्रेंड। और इसमें जो हमारा टाइप होता है वो इसमें दो और टाइप होता है दोनों में, एक होता है जो फर्स्ट वाला वो हमारा होता है चैन फॉर्मेशन, और सेकेंड जो होता है फ्रेंड वो होता है हमारा जिग जैक फॉर्मेशन। तो अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसे कि ये हमारे पास एक सीट है, और इसके ऊपर हम दूसरा सीट लाते हैं, अब इसे ज्वाइंट करना है। तो एक जो हमारा चैन फॉर्मेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, जैसे रिवेट हम लगाते हैं दो रो में, तो जैसे फर्स्ट वाला यहां हो गया फ्रेंड और सेकेंड वाला जो हुआ यहां हो गया और फिर हमारा यहां पे लगाए, और ये इस तरह जो हमारा रिवेट होगा, ये हमारा रिवेट एक रो में है और ये हमारा एकदम इसके सामने है यानी चैन में है। अगर ये चीज हमारा क्या होता, ये रिवेट जो लगाते वो जैसे एक यहां लगाए हैं और फिर एक यहां पे लगाएंगे और फिर जो हमारा तीसरा होगा वो यहां होगा और फिर हमारा जो अगला होगा वो यहां, इस तरह ये हमारा जिग जैक होगा। तो ये हमारा जिग जैक फॉर्मेशन है और ये जो है हमारा सामने सामने है, ये है हमारा चैन फॉर्मेशन और ये है इस तरह जिग जैक, ये हमारा जिग जैक टाइप है। तो इस तरह से हम जो फिक्स करते हैं, ये हमारा जिग जैक हो गया और ये हमारा चैन फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स अब इसमें कुछ जो है वो हम इसका डायमेंशनिंग देखेंगे। तो चलिए हम डायमेंशनिंग अब देखते हैं इसका, तो इसमें क्या क्या हम यूज करते हैं और किस तरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिवेट का, कि रिवेट का डायमेंशन क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक कप रिवेट है, तो कप रिवेट के लिए फ्रेंड हमें जो ये कप रिवेट का ये जो हमारा इसका टेल है फ्रेंड और सेंक जो इसका पार्ट है, ये इसका कुछ डायमीटर होगा क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। तो ये डायमीटर जो है फ्रेंड ये हमारा डिपेंड करेगा जो हमारा सीट होता है उसके थिकनेस पे, इसका क्या थिकनेस है। तो इसके थिकनेस पे हम, क्योंकि हमें जो थिकनेस होगा उसी थिकनेस के अनुसार से हमें इसका डायमीटर लेना है ताकि उस पर जो लोड वगैरह लगे जिसके कारण वो रिवेट हमारा उस लोड को रेसिस्ट कर सके। तो हमारा ये टी अगर इसका थिकनेस है तो हमारा डी जो लेना होगा वो हमें लेना होगा 6 × √T। तो ये सबसे पहले इसका डायमेंशन, ये जो डायमीटर हो गया ये हमारा डी हो गया।
और हमें जो ये इसका लेंथ जो लेना है फ्रेंड, इस टेल और सेंग का, वो हमें लेना है 1.5 डी, और जो हमारा ये जो पार्ट ऊपर गया है फ्रेंड, ये हमारा होता है 0.7 डी, और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है 1.6 डी। और फ्रेंड ये जो हम कर्व्ड बनाए हैं, ये हम इसके एक्सिस पे ट्रायल मेथड से यहां पे इसका सेंटर फाइंड करते हैं, और उसके बाद इसे हम आर्क लगा के इसे यहां से मैच कर देते हैं। ये हम ट्रायल मेथड से करते हैं। इसी ये जो हमारा एक्सिस है इस सिलेंडर का, वहीं पे एक पॉइंट ऐसा मिलता है जो कि हमारा इस आर्क का सेंटर होता है, और उस सेंटर को फाइंड करके हम इसे एक यहां से आर्क लगा देते हैं, तो ये हमारा रिवेट बन जाता है। तो फ्रेंड हम जो ज्वाइंट करेंगे रिवेटेड ज्वाइंट में, अभी जो ड्रॉइंग आपको बना के दिखाऊंगा उसमें हम कब रिवेट का हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड ये तो रिवेट हमारा इस तरह है, लेकिन आपको मैं फिगर में यहां पे दिखा रहा हूं, ये नीचे भी यहां पे कप बन जा रहा है। ये कप नीचे क्यों बन जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा जो रिवेट है फ्रेंड, इसको जब हम सीट के अंदर डाल देते हैं, तो नीचे से हम क्या करते हैं, एक हमारा इसी कप के जस्ट साइज वाला एक हमारा कैविटी बना रहता है तो इस टूल में। और इस टूल को हम क्या करते हैं, इस टूल को हम इस पार्ट पे रखते हैं यहां पे, और इस पार्ट को रख के फिर ऊपर से हम हैमरिंग करते हैं, तो ये जो हमारा टेल है इसका, ये टेल भी हमारा कप का शेप ले लेता है। तो यानी ये कप के शेप का कैविटी रहता है जिसको हम यहां पे यूज करते हैं, और उसके बाद इसमें हैमरिंग करते हैं, तो ये जो हमारा इसका शेप होता है रिवेट का, वो भी हमारा कप का शेप ले लेता है जैसा कि हमारा ऊपर है। तो फ्रेंड्स अब हमें जो देखना है, तो ये हमारा टी जो है वो हमारा मेटल जो हमारा सीट है फ्रेंड, जिसे कि हमें ज्वाइंट करना है, उसका हमारा ये थिकनेस है टी, जैसे कि ये दोनों सीट को हमें ज्वाइंट करना है, तो इसका भी थिकनेस है टी और इसका भी थिकनेस टी। ये जैसे कुछ दे दिया 20, या हमें दे दिया ये 16, तो ये हमें 16 दे दिया। तो अब हमें इसका डायमीटर जो निकालेंगे, ये डायमीटर क्या होगा, 6 × √T, तो ये हमारा हो जाएगा 16, यानी 6 × 4 यानी 24, तो इसका जो डायमीटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 24। तो अब हम इससे कैलकुलेट करके ये रिवेट बना लेंगे। तो फ्रेंड अब जो हमें बनाना है, इस दोनों को ज्वाइंट करना है, उसके लिए हमें कुछ कुछ कंडीशन देखना होगा, जैसे कि हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे ये हमारा डबल चैन है फ्रेंड, ये हमारा डबल रो है, तो ये वाला जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें टॉप व्यू बनाना होगा, सॉरी फ्रंट व्यू, जब हम सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनाएंगे और टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना होगा। तो जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, सबसे पहले हमारा एक ये हमारा नीचे एक पार्ट होगा, और फिर ये हमारा एक ऊपर पार्ट होगा फ्रेंड, और उसके बाद हम इसमें रिवेट लगाएंगे। तो इसके लिए हमें कैसे ड्रॉ करना है, कहां से हमें स्टार्ट करना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक 2H पेंसिल लीजिए, और 2H पेंसिल से, सॉरी फ्रेंड उससे पहले मैं डायमेंशन बता देता हूं। तो ये जो हमारा बन रहा है, ये हमारा इंक्लाइन रहता है फ्रेंड 10 डिग्री पे, यहां से हमारा 10 डिग्री पे, ये हमारा 10 डिग्री पे इंक्लाइन इसे ड्रॉ करना होता है। ये इस तरफ एकदम 90 डिग्री पे नहीं होगा, ये हमारा 10 डिग्री पे यहां पे झुका हुआ रहेगा, यहां से ये 10 डिग्री पे हमारा झुका हुआ रहेगा। और उसके बाद हमें जो ये जो रिवेट लगाना है फ्रेंड, इसके अंदर जो हम रिवेट लगा रहे हैं, ये रिवेट वो हमें यहां से, ये जो हमारा यहां से रिवेट जो लगाना है, कुछ उसके लिए मार्जिन छोड़ते हैं, तो ये हमारा मार्जिन हो जाता है फ्रेंड। तो वो हमारा मार्जिन कितना होता है, वो हमारा डी होता है मार्जिन, जहां पे हमारा ये रिवेट है, जो हमारा रिवेट का ये कैप हो गया और ये कैप, इसका जो सेंटर होगा फ्रेंड वो इस, ये जो हमारा सीट का जो इंड पार्ट है, यहां से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है फ्रेंड वो हमारा होता है 1.5 डी,
यानी कि जैसे हमारा डी जो है इसका डायमीटर आ गया 24, तो हमारा जो मार्जिन जो लेना है यहां से रिवेट हमें कहां लगाना होगा, ये इंड पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे लगाना होगा, ये नहीं कि हम कहीं पे भी लगा दें। तो यहां से जो डिस्टेंस लेते हैं इसके सेंटर का वो हमारा होगा 1.5D, यानी 1.5D यानी 36, यानी ये जो हमारा पॉइंट है इंड पॉइंट वहां से हमें 36 इधर आना है, उसके बाद हम यहां पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, फिर रिवेट का हम यहां पे बनाएंगे ड्रॉ करेंगे। तो यानी हमें इस पॉइंट से 36 यानी 1.5D पे हमें सेंटर लेके वहां पे होल बनाते हैं, जो हमारा डी डिस्टेंस का ये होल होता है, ये हमारा डी होगा जो कि इसका डायमीटर होगा रिवेट का, उसके टेल और सेंक वाले पार्ट का। तो रिवेट तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं, अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड। तो जैसे हमारे पास यहां पे दो रिवेट लगा हुआ है चैन में, तो ये हम जब चैन में इस रिवेट को लगाते हैं तो इसे हम लेते हैं 2D, यानी रिवेट जैसे हमारे पास दो रिवेट है, इसे हम 10 डिग्री पे इंक्लाइन करेंगे और इसे भी हमें 10 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, और ये तो हमारा पार्ट इधर एक्सटेंड कुछ भी कर सकते हैं, तो इसे इस तरह फ्रीली ऐसे कर्व कर देंगे और इधर भी। अब हमें यहां पे दो रिवेट लगाना है फ्रेंड, एक रिवेट इधर लगा दिए और एक रिवेट इधर लगा दिए, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इस दोनों जो ये हमारा रिवेट के बीच का डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 2D, जिसे कि फ्रेंड हम कहते हैं रो पिच, ये हमारा रो पिच कहलाता है। और जो फ्रेंड अब हम इसके बाद फिर इधर लगाएंगे अगला, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है, इसे हम पिच कहते हैं और इसे रॉ पिच कहते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हुआ वो हमारा PR हुआ, ये PR, और PR इक्वल टू होता है फ्रेंड, PR इक्वल टू होता है हमारा 2D। और ये जो हमारा नीचे ये जो है आया है ये हमारा है पिच, यानी ये यहां से यहां पिच हो गया, तो ये पिच के लिए हम P से डिनोट करते हैं और P का जो डायमेंशन लेते हैं वो हम 3D। तो PR क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 × 24, क्योंकि हमें D 24 आया, यानी ये 48। तो यानी दो जब हम रो में देखेंगे तो दो रिवेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 2D, और जब हम इसे कॉलम में देखेंगे फ्रेंड तो ये हमारा पिच कहलाएगा, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और P का वैल्यू जो होता है वो हमारा 3D होता है, यानी 3 × 24, यानी ये हमारा आएगा 72। और फ्रेंड ये तो हमारा चैन वाला हो गया, और जिगजैक में हमें देखना है फ्रेंड, तो जिगजैक में हमारा क्या हो जाएगा, एक तो ये हमारा हो जाएगा PR तो फ्रेंड यहां नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रो में नहीं लगा हुआ है, तो यहां PR नहीं होगा, PR सिर्फ यहां होगा। तो यहां पे हमारा ये तो हमारा पिच तो होगा ही P, लेकिन ये जो हमारा होगा ये डायगोनल होगा PD, यानी ये होगा हमारा P डायगोनल। तो P डायगोनल के लिए हम क्या लेते हैं, P डायगोनल के लिए लेते हैं फ्रेंड 2P प्लस D बाय 3, तो 2 प्लस D बाय 3, तो हमारा 2P, P कितना है फ्रेंड, हमारा P है 72 प्लस D, D कितना है हमारा 24/3, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 72 से ये हमारा हो जाएगा 144 प्लस 8, 6, 1, 3, 15, तो ये हमारा हो जाएगा 56। तो फ्रेंड ये हमारा 56 आ गया PD। तो मैं एक बार आपको यहां पे लिख देता हूं, ये जो हमारा PR है वो है हमारा रो पिच, जो कि हमारा होता है फ्रेंड PR इक्वल टू 2D, और ये P जो होता है वो हमारा होता है पिच, जो कि हमारा P इक्वल टू होता है 3D, और जो हमारा PD होता है वो होता है हमारा डायगोनल पिच, और डायगोनल पिच जो होता है वो होता है हमारा 2P प्लस D बाय 3। तो ये था हमारा इसका कुछ बेसिक। तो फ्रेंड अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हमारा होगा इसका ड्राइंग। तो फ्रेंड मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूं, आपको कौन कौन सा ड्राइंग मैं बताऊंगा।
सबसे पहले मैं बताऊंगा डबल रिवेटेड चैन, ये चैन में है फ्रेंड, और जो इधर है ये हमारा जिगजैक है, ये जिगजैक में है और ये चैन में है, और ये फ्रेंड ये हमारा लैप ज्वाइंट है। तो लैप ज्वाइंट में हम देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारा सबसे पहला प्लेट है, ये जो हमारा मेटालिक सीट होगा किसी भी मेटल का फ्रेंड, इस दोनों को हम रिवेट से ज्वाइंट कर रहे हैं, और इधर भी हम, इधर हमारा जो लगा हुआ है रिवेट वो हमारा जिगजैक में है, और इधर जो है वो हमारा चैन में है। तो ये हमारा लैप ज्वाइंट का था फ्रेंड, और इधर जो है इस साइड ये है हमारा बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट में हम क्या किए हैं, ये यहां पे दो सीट है और उसके ऊपर से हम स्ट्रेप रखते हैं, और उसके बाद हम इसका रिवेटेड ज्वाइंट करते हैं। और यहां पर भी ये हमारा बीच में जो है फ्रेंड है, बीच वाला पार्ट, ये हमारा दो सीट है, और इस दोनों सीट को ऊपर से दो स्ट्रेप लगा के इसका रिवेटेड ज्वाइंट किए हैं। तो ये चारों वीडियो फ्रेंड आपको अलग अलग में ये चारों वीडियो मिल जाएगा, जो कि आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो हमारा ये मशीन ड्राइंग का फ्रेंड जो प्लेलिस्ट है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।